assalamu alaikum dear students i am your physics instructor Kiram khatak today we will discuss a new topic from class 10 physics uh, and the title of this topic is electromagnetism uh, so in whole lecture i will focus on electromagnetism uh, and uh, it's also the title of this chapter electromagnetism इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स द फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रो विच मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज आर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दो चीजें यहां पे हम इनसे मतलब ले सकते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिका फील्ड और दूसरा जो वर्ड है वो है मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म का जो वर्ड है उसका यहां पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है या इसका मतलब चार्जेस के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इस फेनोमेना को भी हम क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म तो इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो वर्ड है ये हमें पूरे चैप्टर की थीम बता रहा है कि इस चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है उनके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको क्या करना है स्टडी करना है तो हम यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इस तरह डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एराउंड अमूवेबल चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फिनोमिना है उसमें हम क्या करते हैं कि एक मूविंग चार्ज के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं तो इन सिंपल वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड उसके मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो गई है उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या करना है स्टडी करना है <coughs> आप लोगों को पता होना चाहिए कि चार्ज जब रेस्ट में होता है चार्ज अगर किस चीज में हो रेस्ट में तो उसके पास सिर्फ एक ही फील्ड होगी वो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अब अगर इसी चार्ज को हम किस में करें मोशन में मोशन में आपके पास यही चार्ज है तो मोशन जो है वो दो तरह के है अगर ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है और कौन सी मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन तो उसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी अब अगर यही चार्ज मोशन कर रहा है और कौन सी मोशन कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये क्या चीज प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक चार्ज मोशन में है और ऐसे मोशन में है कि जो एक्सलरेटेड मोशन है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो ये चार्ज जो एनर्जी लॉस्ट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगा हमें शो होगा तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो चार्ज है उसके मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हमने क्या करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करना है ठीक है अच्छा अब इसके लिए हम एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं आपके पास एक वायर है इस वायर को मैंने यहां पे एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया है ठीक है ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है और यहां पे मैंने एक स्विच लगाया है और स्विच अभी क्या है ओपन है स्विच के ओपन होने का मतलब क्या है कि यहां पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है इस वायर में जब कोई चार्ज मौजूद नहीं है अगर मैं इस वायर के इर्द गिर्द कुछ इस तरह आयरन फिलिंग्स लोहे के मैं कुछ टुकड़े इस वायर के इर्द गिर्द रख दू जब इसमें करंट मौजूद ना हो तो इस वायर के इर्द गिर्द ये जो लोहे के टुकड़े हैं आयरन फिलिंग्स पीसेस ऑफ आयरन ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे रैंडमली अगर इस वायर का स्विच ओपन है तो इस वायर के इर्द गिर्द जो आयरन फेलिंग्स होंगे लोहे के जो टुकड़े होंगे वो रेंडमली ओरिएंटेड होंगे इसका मतलब ये है कि अगर इस वायर में करंट नहीं है तो जो लोहे के टुकड़े है उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अब जब मैं इस स्विच को क्लोज कर लेता हूं तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है कन्वेंशनल करंट ये पॉजिटिव चार्ज लिट सपोज किधर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं इस तरह जब ये पॉजिटिव चार्ज मोशन स्टार्ट कर लेते हैं तो इन पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट जो है वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ खींचता है तो इसकी वजह से ये जो आयरन पीसेस थी ये एक बाकायदा सर्कल में क्या हो जाती है अरेंज हो जाती है एक बाकायदा यहाँ पे हमें एक प्रॉपर पैटर्न नजर आता है तो ये जो प्रॉपर पैटर्न अभी हमें आयरन फिलिंग्स का नजर आ रहा है स्विच के क्लोज होने के बाद ये इस बात की इस बात का सबूत है एविडेंस है उसमें मैग्नेटिक उसमें चार्जेस मोशन करते हैं तो उस वायर के अराउंड क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसने बेसिकली इन आयरन फेलिंग्स को एक सर्कल में क्या किया है अरेंज किया है ठीक है तो अब अगर कोई चाहता है कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो फाइंड करें तो इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि आपका जो राइट right हैंड है उसकी ये जो तंब है इसको आपने किस डायरेक्शन में रखना है करंट की डायरेक्शन में तंब जो है तंब वो किस डायरेक्शन में होगी करंट और ये जो हमारी फिंगर्स है इसको आपने इस तरह इंसर्कल करना है देखो अगर ये वायर है इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो तम तो आपने इसमें करंट की डायरेक्शन में कर ली और अपने जो फिंगर्स है उसको इस तरह इंसर्कल कर लो इस तरह क्लोज कर लो तो फिंगर आपको किसकी डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर सर्कल फिंगर इन सर्कल ये किसकी डायरेक्शन देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है और इस डायरेक्शन में मैंने अपनी तम कर ली ये जो मेरी उंगलियां है फिंगर्स है इसको मैंने इंसर्कल किया तो यह उंगलियां मुझे बता रही हैं कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह प्रोड्यूस हो गई है वो बिल्कुल इन दफा माफा सर्कल प्रोड्यूस हो गई और इस तरह हमें उसने एक आ शेप दिया है